इग्नू के CLTA प्रोग्राम जो कि सर्टिफिकेट प्रोग्राम है और उसके तहत हम अंबेडकर जी के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। सर्टिफिकेट कोर्स इन अंबेडकर थॉट एंड उनके विचार, ठीक है। तो जो खंड दो है वह राजनीतिक संस्थान है उसका टाइटल, और उसमें भी चार इकाई हैं। चार इकाई हम पहले खंड में देख चुके हैं, आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी वह पड़ा हुआ है इग्नू के तहत, इग्नू में, इग्नू के नाम से है प्लेलिस्ट। तो इकाई पाँच है चुनावी लोकतंत्र एवं दलीय व्यवस्था, इकाई छः संसदीय लोकतंत्र, इकाई सात सामाजिक लोकतंत्र, इकाई आठ लोकतंत्र का भविष्य। तो हम केवल सारांश देखते हैं, समय कम है, सारांश हम तुरंत ही देखते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप जाके बुक पढ़ें। जो इकाई पाँच है खंड दो के तहत सारांश है, निर्वाचन तथा राजनीतिक दलों के संदर्भ में अंबेडकर के विचारों को समझते हुए हमने लोकतंत्र संबंधी उनके विचारों को जाना। इस इकाई में हमने यह जाना कि इस प्रकार से अंबेडकर का यह दृढ़ विश्वास था कि सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र केवल एक बनावटी या ढोंगी लोकतंत्र है। फिर से, सामाजिक या आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र एक बनावटी है, यानी कि जो राजनीतिक लोकतंत्र है वह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के ऊपर पूर्णतः निर्भर है और निर्भर होना चाहिए। हमने यह भी माना था कि संसदीय लोकतंत्र के काफ़ी कटु आलोचक थे, उन्होंने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि संसदीय लोकतंत्र कभी भी आर्थिक असमताओं के बारे में चिंता नहीं करता। उन्होंने यह बताया कि संसदीय लोकतंत्र यह समझ पाने में असमर्थ है कि समझौते की आज़ादी या स्वतंत्रता वास्तव में कमजोर वर्ग के शोषण व कपट या उनके साथ छल करने की प्रवृत्ति को और अधिक मजबूत बनाती है। इसके परिणाम स्वरूप संसदीय लोकतंत्र स्वतंत्रता के नायक के रूप में खड़ा होकर निर्धनों, शोषितों एवं वंचितों की आर्थिक कठिनाइयों को बढ़ाने का ही काम करती है। नेक्स्ट इकाई छ, देखिए इसमें फिर से प्रिंटिंग में गड़बड़ी है और यह सारांश है। उपरोक्त चर्चा के संदर्भ में अब संसदीय लोकतंत्र की मुख्य विशेषताओं को रेखांकित किया जा सकता है। सामाजिक तथा आर्थिक संदर्भों के अनुरूप अलग अलग संसदों में भी भिन्नता पाई जाती है। कुछ राज्य संघीय तथा कुछ अन्य एकात्मक प्रकार के होते हैं। इस प्रकार कुछ राज्य अध्यक्षीय तो कुछ संसदीय प्रकार के होते हैं। कुछ संसद एक सदनी तो कुछ द्विसदनी होते हैं। इस सबसे ऊपर विभिन्न देशों में अनेक प्रकार की आपसी भिन्नता होती है। यह भिन्नता न केवल उन देशों के आकार की है बल्कि उनके आर्थिक विकास के स्तर, संसाधनों आदि के संदर्भ में भी होती है, जो कि अपनी कार्यवाहियों के संचालन हेतु संसद को उपलब्ध होती है। इसके साथ ही साथ ऊपर हमने देखा कि संसदीय लोकतंत्र की आत्मा एवं आधारभूत मूल्यों के संदर्भ में अंबेडकर का योगदान एक स्पष्ट दिशा निर्देश का समझ प्रदान करता है। एक लोकतांत्रिक संसद किसी प्रकार की होनी चाहिए, इसकी समझ विकसित करने हेतु मानदंड स्थापित करता है। सातवीं इकाई में, हम देखेंगे कि क्या सारांश है। अंबेडकर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दार्शनिक है जिन्होंने सामाजिक लोकतंत्र की परंपरा में योगदान दिया। उन्होंने सिद्धांत के रूप में एक व्यक्ति हेतु तर्क दिया कि एक श्रेणी के समाज में कानून से पहले एक गुण और समानता है। अंबेडकर के लोकतंत्र संबंधी धारणा एक अलग तरह के उदारवाद का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें समाजवाद के तत्व मिले हुए हैं। समानता सिद्धांत और व्यवहार दोनों में लोकतंत्र की अंबेडकर की अवधारणा का एक अनिवार्य तत्व है। वे इसे सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र के रूप में भी शामिल करने हेतु राजनीतिक क्षेत्र से समानता के दायरे को विस्तृत करना चाहते थे। उनका लोकतंत्र की अवधारणा में महत्वपूर्ण और आंतरिक गुण है। वह चर्चा के माध्यम से उदारवाद से आगे निकलते हैं और लोकतंत्र का सार साचर्य संचार और धार्मिक सामाजिक जीवन में ही है। वह लोकतंत्र के एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण में लाते हैं जो नैतिकता के मजबूत नींव पर आधारित है। अंबेडकर हिंदू समुदाय के बारे में आलोचना करते हैं कि यह व्यक्ति गुणों और क्षमताओं को नहीं पहचानता है। उन्होंने मानव व्यक्तित्व की उनकी मान्यता हेतु हिंदू धर्म पर हमला किया है और इसका जानबूझकर चर्चा की है। उन्होंने यह भी कहा है कि न्याय के दृष्टिकोण से हिंदू धर्म के दर्शन से पता चलता है कि यह समानता स्वतंत्रता के प्रति शत्रुतापूर्ण और भाईचारे का विरोध करने वाला है। यह नहीं, उन्होंने समानता स्वतंत्रता और भाईचारे के सिद्धांत के आधार पर एक नैतिक समुदाय का प्रस्ताव रखा है। उनका मत है कि व्यक्ति एक नैतिक समुदाय में अपनी पहचान का अर्थ समझते हैं और आत्मिक व्यक्तित्व का प्रस्ताव करते हैं। अंबेडकर का यह भी मत है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र सामाजिक राजनीतिक लोकतंत्र के उत्कों का फाइबर है और वह उत्तक और फाइबर को इस प्रकार से शरीर की अधिक ताकत बढ़ाने में सहयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक लोकतंत्र के अंबेडकर का दृष्टिकोण आदर्शवादी और यथार्थवादी दोनों पदों में समानता और स्वतंत्रता
भाईचारे के संतुलन दिखाई देता है। अंबेडकर हेतु लोकतंत्र की जड़ें सरकार के रूप में है नहीं बल्कि सामाजिक संबंधों में है। उन्होंने यह कहा था कि लोकतंत्र की सफलता हेतु पूर्व शर्त यह है कि समाज में असमताओं को दूर करना चाहिए, असमानताओं को दूर करना चाहिए और समस्याओं को कम करने और पीड़ित लोगों की हितों की रक्षा हेतु नियम बनाने चाहिए। अंबेडकर का मानना था कि वंचित राज्य के गठन के आधार पर होना चाहिए और गैर कानूनी विकलांगता, अधीनता, उत्पीड़न और अन्याय शोषण के विरुद्ध उनके आधार पर कुछ समूहों हेतु विशेष ध्यान देने की मांग उनके द्वारा की गई है। नुकसान के स्थिति को देखते हुए उन्होंने मानदंडों का एक जटिल सेट विकसित किया और उसके विभिन्न ढांचे को निर्दिष्ट करने का प्रयास किया। विशेष रूप से सामान्य और अस्पृश्य व्यक्तियों हेतु सुरक्षा उपायों की एक प्रणाली की आवश्यकता होते उन्होंने तर्क दिया कि अंबेडकर ने यह भी कहा इसके साथ कि राज्य द्वारा गारंटी के साथ दिए जाने वाले अधिकार दलितों के अधिकारों की रक्षा हेतु पर्याप्त नहीं है, कानूनों की रक्षा हेतु सामाजिक और नैतिक विवेक भी है। वह लोगों को शासित करने के लिए लिखित विधिक कानून की तुलना में नैतिक समाज और उसके रीति रिवाजों पर अधिक जोर देते हैं। वह यह मानते हैं कि सरकार के लोकतांत्रिक रूप से प्रभावी कार्य हेतु सामाजिक नैतिकता की जरूरत होती है। नेक्स्ट इकाई 8 देखेंगे हम दोस्तों। खंड 2 की यह आखिरी इकाई है जिसका नाम है इकाई 8 और इसका सारांश हम देखने जा रहे हैं। संक्षिप्त में अंबेडकर के लोकतंत्र की अवधारणा पर एक क्रांतिकारी लोकतंत्र की चाबी है जिसका लक्ष्य सामाजिक परिवर्तन और मानव विकास लाना है। यह समाज में व्याप्त रूढ़िवादी तत्वों, अंधविश्वासों और पदानुक्रम को दूर करता है, समतावादी और सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करता है। इसके तहत यह होगा कि देश का प्रत्येक नागरिक एक ऐसा वातावरण प्राप्त करे जिसमें उसके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो। वास्तविक रूप से लोकतंत्र का लक्ष्य लैंगिक समानता, जाति भेदभाव को खत्म करना, लैंगिक समानता स्थापित करना, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण करना, जनजाति के अधिकारों का संरक्षण करना और परिस्थिति को और अवसरों की असमानता को खत्म करना है और एक व्यक्ति एक मूल्य और एक वोट के सिद्धांत को कायम रखना है। यह सरकार एक प्रकार का है जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर कार्य करता है, जो बिना किसी रक्तपात के लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। आपको यह कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करने के साथ ही सब्सक्राइब करें, आपको ऐसे ही जानकारी मिलती रहेगी। अधिक जानकारी के लिए इग्नू से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे इग्नू वाला प्लेलिस्ट खोल के देख सकते हैं और जीके, स्टैटिक जीके और करंट और स्पोर्ट्स सभी से जुड़ी हुई जानकारी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।